अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बाजे का और पौधों का रेट आपको आज हम बताएंगे। बाजे बजाना ज़रूरी है या पौधे लगाना ज़रूरी है? अभी हम झंडे और बाजे वाले की दुकान पे हैं। यहाँ ये इसका रेट देखते हैं क्या है। वालेकुम वालेकुम सलाम जी, जी भाई, बाजा कितने का है? ये वाला बाजा 350 रुपये का है। इससे बड़ा दिखाऊँ आपको? इससे छोटा है और इससे बड़ा है? सॉरी, इससे बड़ा भी है, दिखाएं कि वो कितने का है? वो 550 का है। बाजे का रेट आपको बता चुके हैं, अभी आए हैं मिस्त्री, आए आपको इनका रेट पूछ के बताते हैं। आगे चलें। ये आपने हमारे वाले दो कितने के दिया हमें? ये 400 रुपये का दो पौधे दिए हैं। एक इतना बड़ा अच्छा मोरिंगा का पौधा है और दूसरा इतना बड़ा गुलाब का पौधा है जिसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। अब आपने पौधे के रेट भी देख लिए हैं और बाजे के रेट भी देख लिए हैं। अब आप खुद ये फैसला करें कि अब बाजा बजाना ज़रूरी है या पौधे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाजे का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इसकी वजह से नुकसान ही है। लेकिन इसके मुकाबले में जब पौधे लगाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारी आने वाली नस्ल को छांव मिलेगी, फल मिलेगा। लेकिन आज हम जिन पौधों की छांव में बैठ रहे हैं और जिन पौधों का फल खा रहे हैं, वो हमने नहीं लगाए थे, वो हमारे बड़ों ने लगाए थे। तो हम आइंदा आने वाली नस्ल को क्या दे के जाएँगे? क्या हम पौधे भी नहीं दे के जा सकते अपनी आने वाली नस्ल को? ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। पौधे लगाने की वजह से हमारा माहौल बहुत बेहतर होगा, क्लाइमेट कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ये जो बारिशें नहीं हो रही इसकी वजह से बारिशें होंगी और हमारा मुल्क सरसब्ज़ शादाब होगा। इसलिए सिर्फ पौधे लगाएं ताकि आपका मुल्क अच्छा सरसब्ज़ शादाब हो। अब हमने ये फैसला किया है कि हम पौधे लगाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन से पौधे कल लगाएंगे। ये हम पौधे लेके आए जो हमने यहाँ रखे हैं। ये फूलों का पौधा है, मोतिया का फूल है, इसके साथ ये बादाम का पौधा है और इसके आगे ये गुलाब का पौधा है। इसके साथ ये दो बड़े पौधे लेके आए, एक मोरिंगा का और एक नीम का है। नीम का पौधा जहाँ लगाया जाता है वहाँ ठंडी छांव बहुत ज़्यादा मिलती है, इसी तरह मोरिंगा का पौधे का भी बहुत सारे फ़वायद हैं।